कैमरा कैमरा अच्छा अच्छा तो ओह माय गॉड मैन मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में करना है ब्रेड ऑमलेट भाई तू क्या कर रहा है मैं अभी एक चाय और ब्रेक मार रहा हूँ और ग्रेड हाथ में पकड़ा हूँ और एक बार में लिखा भाई कैसा लगा तेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अच्छा था मॉर्निंग So good morning everyone, good morning from Chandradal and welcome back to my YouTube channel Rolling Peace. भाई ने बड़ा ही प्यारा डिनर करवाया था, ब्रेकफास्ट भी बड़ा ही डिलीशियस करवाया था. भाई क्या है नाम आपका? Myself Shiva and I'm from district Kangra. HP. So guys, ब्रेकफास्ट कर लिया हम लोगों ने and we are leaving for Chandradal Lake. दो लोग यहाँ पे रहने वाले हैं, चार लोग हम दो बाइक पे जाके आते हैं. इस स्टैंड पे हम लोग रुके थे. अभी हवा काफ़ी साफ है, सूरज भी निकल गया है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है. रात को तो फटके हाथ में आ गई थी. थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है लेकिन सूरज है, इट्स फाइन. रात को तो बहुत हवा चल रही थी. चलते हैं चंद्रताल लेक पे एंड आज निकलना है काजा के लिए. शायद कॉमिक विलेज पे रुकेंगे हम लोग. लेट्स सी, चंद्रताल तो जाके आते हैं पहले. चल भाई. ओके सो गाइस, आफ्टर ऑफ रोडिंग ऑफ 20 मिनट्स एंड ट्रैकिंग फॉर 15 मिनट्स, फाइनली वी बीन रीच टू चंद्रताल लेक. यहाँ का 360 व्यू पहले देख लो, बाकी का सब इन्फॉर्मेशन देता हूँ यहाँ पे. का ऑफ रोडिंग और 20 मिनट्स का ट्रैकिंग, वर्थ इट गाइस, वर्थ इट. सांस चढ़ जाती है फिर भी मज़ा आता है यहाँ पे. क्या फ्रेश ब्रीदिंग है यहाँ पे. ट्रैकिंग का तो अपना ही मज़ा रहता होगा यार. सो अभी निकलना है काजा के लिए. शायद आज कॉमिक में स्टे करेंगे. सो मिलते हैं ब्रो. गुड, नाइस मीट यू. व्हाट्स योर नेम ब्रो? पार्थव. पार्थव, ओके मिलते हैं भाई. नाइस मीट यू. सूरत में मिलते हैं. हाँ भाई, सूरत के कुछ राइडर्स मिल गए हम लोगों को. काफ़ी ठंड है भाई. कैसा फील कर रहे हो यहाँ पे आके? बढ़िया फील हो रहा है और घूमने का भी मज़ा आ रहा है. फटी हुई है सबकी, अभी ठंड लग रही है मेरी तो. यार जी करता है बैठा रहूँ यहाँ पे लेकिन अभी निकलना पड़ेगा 5-10 मिनट में. वहाँ से हम लोग आए हैं, बाइक वहाँ पे नीचे रखे हैं. 6x zoom. फ्लाइट भी एकदम नज़दीक से दिख रही है क्योंकि चंद्रताल लेक है 4206 मीटर्स की हाइट पे. हो क्या व्यू है ना गाइस. गंदा रास्ता है भाई, बहुत गंदा रास्ता है. सैमसंग कैंप एंड कैफे चंद्रताल. ओ भाई चंद्रताल. सो गाइस, हम लोग अभी 10:30 बजे निकल रहे हैं. व्हाट द फक मैन, कल भी वाटर क्रॉसिंग इतना ही था, अभी भी इतना ही है क्या? इनोवा फेल्ड, इनोवा एपिक फेल्ड. चंद्रताल वाले रूट पे अगर सामने से एक गाड़ी भी आ जाती है ना तो बाइक को निकलना तकलीफ हो जाता है. ऑलमोस्ट ऐसे रूट्स है. भाई रोक लेता इधर, मोर ऑन. अभी कम कब होता है, अभी तो 10 बजे है. 10 बजे भी ये हालत है तो वाटर क्रॉसिंग कम कब रहता है जी. बड़े पत्थर, बड़े पत्थर, बड़े पत्थर, बड़े पत्थर. गलत आया, गलत आया. चल निकल, निकल निकल निकल, निकलेगा. कम ऑन,
Come on. Oh. Okay. So कल हम लोग आए थे उधर से. कल हम लोग ये रूट से आए थे बातल छतड़ू छोटादरा और इधर सीधे गए थे 13 किलोमीटर स्ट्रेट फॉर चंद्रताल. आज हम लोग चंद्रताल से आए हैं और लेफ्ट लेके जाना है काजा. काजा कॉमिक देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं. यहाँ पे ओल्ड रास्ता था ऐसा लग रहा है बंद है अभी नया रास्ता बन गया आई गेस. वाह क्या खुला खुला आसमान है. काजा 78 कुंजम माता कमेटी आपका हार्दिक स्वागत कर रही है. स्टिकर लगा देते हैं भैया कुंजम टॉप पे. कहाँ पे लगाए कहाँ पे लगाए यहाँ पे लगा दो. रोलिंग फेस पीस ब्रो. गोम्पा इज रियली ब्यूटीफुल गाइस. पेंट जॉब एंड ऑल नेचुरल ब्यूटी. Let me try a shortcut. लंबा वाला shortcut है ये. I hope मुझे लंबा ना कर दे. It's cool. अच्छा रास्ता है. That is the Gompa. Must shortcut था must. रास्ता उधर से है पैरेलली शॉर्टकट मारा है हम लोगों ने. देखते हैं शॉर्टकट है लॉन्ग कट है मुझे मालूम नहीं है. बस डाल दिया है बाइक. हो मिलेगा आई गेस मिलेगा मिलेगा. वो इट वाज नाइस शॉर्टकट. ओके अभी 40 किलोमीटर राइड हुआ नहीं है कि हमारे भाई लोग की बकचोदी वापस चालू हो गई है. आज ये हमारा कौशल पैर तोड़ने की कोशिश करते हुए ये हमारा एक स्टंटमैन आया हुआ है रॉक स्टार से. कैसे कैसे फोटो खींच रहा है देख लिया साला. हर रोज 10-20 किलोमीटर की राइड हुई नहीं और बकचोदी चालू. बकचोदी ऐसी चालू आधे घंटे तक चालू ही रहती है. देखो 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 वो हमारा नंगा स्टार. भाई व्हाट इज दैट क्या हुआ ये तूफान हरिकेन. वेलकम टू स्पीति वैली. हाहा आज एंटर किया गया हम लोगों ने पुलिस चेक पोस्ट. लो सर सर बाइक का एंट्री डालना है. पीस ब्रो थैंक यू. कौन सा गांव है भैया ये. लो सर जुले टाटा. इज सो क्यूट. हम लोग पहुंच चुके हैं अभी लोसर. लोसर में लंच ब्रेक के लिए रुके हैं. सब लोग अंदर हैं मैं बाहर हूँ. आई एम हैविंग कॉफी एंड अ हाइड एंड सीक. शॉर्टकट मार ले गया शॉर्टकट. नोप बहुत खराब रास्ता था. सो गाइस कियाटो विलेज क्रॉस कर दिया है हमने. कियाटो विलेज क्रॉस करने के बाद दो रास्ते पड़ते हैं काजा के लिए. अगर आप मनाली से काजा जा रहे हो तो कियाटो क्रॉस करके 2-3 किलोमीटर आगे दो रूट पड़ते हैं. एक रिवर के उस साइड पे एक रिवर के इस साइड पे. लेफ्ट वाला रास्ता जो है वो चीचम की किबर वो इंक्लूड करेगा और ये वाला रास्ता अच्छा है.
व्यूज भी अच्छे हैं और कुछ और कोई एशिया का हाईएस्ट ब्रिज है चीचम, या एग्जैक्टली 19 किलोमीटर चीचम, यहाँ से जाना है। तो ये रास्ता भी अच्छा है और यहाँ के व्यूज़ भी अच्छे हैं, ऐसा हम लोगों को सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है। एंड ये वाला भी रास्ता है जो पैरेलली जा रहा है, काजा ही जाता है, लेकिन ये वाला रास्ता काफ़ी स्मूथ है गाइस। और कुछ लोगों ने ऐसा भी बोला कि 30 किलोमीटर शॉर्ट है ये रास्ता। आई होप एक दो घंटे बच जाएंगे हमारे। दिस रूट गॉट सम सुपर व्यूज मैन। स्पिति वैली, क्या ब्यूटीफुल वैली है यार। अभी अभी थोड़ा एडवेंचर हो गया मेरा। यहाँ पे मैंने ग्लव्स रखा, यहाँ पे ग्लव्स रखे थे, दोनों ग्लव्स उड़ के यहाँ से होके डायरेक्ट नीचे, वहाँ पे ग्लव्स था मेरा, मैं वहाँ से नीचे उतरा, स्लाइड कर करके यहाँ पे पहुँचा मैं, यहाँ से ग्लव्स लिया, यहाँ से फिर वहाँ पे गया एंड देन वहाँ से मुझे वैभव ने पिकअप किया एंड देन वापस यहाँ पे आया मैं। हाथ की हालत देखो, ग्लव्स गिर गया था वहाँ से ऊपर से। ग्लव्स तो मिल गया, वे वापस ऊपर चढ़ना है, वो कैसे करूँगा? यहाँ से ऊपर आ सकता हूँ? हाँ, वहाँ पे सामने वैभव लेने के लिए आ रहा है। अभी कहाँ से जाऊँ मैं ऊपर? यहाँ से उतरा था मैं। एक्चुअली कीमत पैसे की नहीं है, कीमत लाइफ सेवर ग्लव्स की है। अभी यहाँ पे कहीं पे मिलेगा नहीं मुझे ये दी गैसलॉन का ग्लव्स, और टफ राइड बाकी है। हाँ, ओह माय गॉड मैन, हो हाँ। भाई ट्रैकिंग कर लिया मैंने, ये हाथ अंडरटेकर का है भाई, ये हाथ नीचे चला गया था ना। घना एडवेंचर हो गया जी, हाथ पूरे दूर वाले, इसके लिए कीमत रुपए की नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे मिलेगा नहीं। दी कैथलॉन के ग्लव्स अभी मेरे लिए लाइफ सेवर है, अगर बारिश होती है, स्नोफॉल होता है, यही काम लगने हैं। सो एनी हाउ मुझे लेना था वहाँ से। ओके, सो निकलते हैं अभी किबर यहाँ से 20 किलोमीटर से। पावर बैंक चार्ज में रख दिया है मैंने। पहाड़ के उस तरफ पूरा अलग व्यू है, इस तरफ पूरा डिफरेंट मैन। उस साइड पे पूरा ब्राउन, इस साइड पे पूरा ग्रीन, एक तरफ बंजर, एक तरफ ग्रीनरी। स्पीति, आई एम गोना रिमेम्बर यू फॉर लाइफ टाइम। प्लीज ब्रो। आई गेस यही है हाईएस्ट ब्रिज ऑफ एशिया, चीचम ब्रिज। ये कौन सा विलेज है जी? ये कौन सा विलेज है? किबर। किबर ये क्या है? कैमरा कैमरा
कैमरा है झूले झूले वाह भाई वाह भाई। Wow, Kibber is really beautiful village, guys. Oh, look at the roads. की मोनेस्ट्री की तरफ की मोनेस्ट्री पे जाके आते हैं फिर काजा जाते हैं और क्या। सो गाइस फाइनल वी आर एंटरिंग इन की मोनेस्ट्री द हाईएस्ट मोनेस्ट्री इन स्पीटी द हिस्ट्री ऑफ की मोनेस्ट्री। हम लोग पहुंच चुके हैं की मोनेस्ट्री स्पीटी वैली। यस स्पीटी वैली की सबसे हाईएस्ट मोनेस्ट्री जिस लोगों तो व्यू मैन। आज तक की जितनी भी मोनेस्ट्री पे मैं घूमा हूँ उसमें यहाँ से जो व्यू है इट्स द बेस्ट एंड no photography allowed inside, so hard luck guys. I think that is the Kaza. हम लोग पहुंच चुके हैं काजा। आज फिर से मेरी गाड़ी में पंचर हो गया था। 22 किलोमीटर तक ऐसे खड़े खड़े लेके आया यहाँ पे और अभी ठीक करवाया। काजा में जैसे घुसते हैं वैसे पंचर वाला मिल जाता है। बहुत ही एडवेंचर रही आज की ट्रिप और व्यू भी बहुत अच्छा था तो मजा आ गया। वैसे तो मेरी कमर की भी लगी हुई है पर कोई नहीं मजा आ गया। अपने लिए एक ही जगह बची थी के बीच में ही। ओके हम लोग अभी आ गए हैं द हिमालयन कैफे। पहले हम लोगों ने चेक इन किया था होम स्टे पे देन यहाँ पे आए हैं। पूरे काजा में लाइट नहीं है आज, पता नहीं क्या हुआ है लेकिन यहाँ का माहौल भी कुछ अलग है। सो अभी फरमाइश हुई है अल्लाह के बंदे टूटा टूटा एक परिंदा फ्रॉम कैलाश खेर। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। आया उड़ता हुआ वो आसमां से आकर
कर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे वो कहता रहा मगर, के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल भी आएगा। सो गाइस अभी जो ये आर्टिस्ट थे, नाम है शैलेश मीडियम। हाय गाइस, मेरा नाम शैलेश कुमार है और प्लीज अगर गाना पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब, बी लाउड ब्रो, बी लाउड, थोड़ा जोर से बोलो, बस इतना ही है मेरे पास। और स्पीटी आओ तो हिमालयन कैफे को विजिट करो। हमको मिली है आज ये गड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर हाथ में नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर जन्म रात हो All of this rolling pace. How was the chilling, man? Never before. Yeah.